झारखंड में भाषा विवाद की तपिश बढ़ती जा रही है। भाषा विवाद की आंच से अब कोयलांचल के पहाड़ी इलाके भी झुलसने लगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में भोजपुरी और मगही को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने के विरोध में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले खुर्डी मैदान से सैकड़ों युवाओं ने पदयात्रा निकालकर कोटालड्डा चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान विरोध कर रहे युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जयराम महतो ने कहा, आज बाहरी लोगों झारखंड में आकर कंपनी खोले और धीरे धीरे पूरे झारखंड को निकल गए। भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, मगही मगध की भाषा है और इन भाषाओं का यहाँ सिर्फ प्रवासी लोग बोलते हैं जो झारखंड के मूलवासी नहीं है। क्षेत्रीय भाषा मूलवासियों की भाषा होती, प्रवासियों की नहीं। आने वाले 30 जनवरी को 50 किलोमीटर का मानव श्रृंखला बनेगा। अगर राज्य सरकार फिर भी हमारी मांग को नज़रअंदाज करती है तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। हम किसी व्यक्ति या राज्य से नहीं लड़ रहे, हम अपने राज्य में अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, चलो चल ठीक। तो आप झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का बैनर बनाने का क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि झारखंड में आईसू है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये जो हमारी माटी का भाषा माटी का पार्टी बोला जाता है, फिर ऐसा क्यों आपका आग पड़ी जो ये आपका बैनर बना? देखिए, सबसे पहला बात जो है ना, कि सरकार कह रहे ना माटी के पार्टी, बिल्कुल ना। इधर लोकतंत्र में मैंने इनडायरेक्ट राजतंत्र चलो, अगर हेमंत बाबू के बात करवाए तो हेमंत बाबू खुद हो मुख्यमंत्री, अपन भाई के विधायक बनाए दे लो। तुम्हें गरीब आदमी जो गरीब गुरबा गांव के अपने के रत्ती पर अखनी फर्क ना हो, अखनी इतना पैसा कमा ले लो। पहला बात तो झारखंडी के जानना चाहिए कि विधायक की कितना भत्ता है, विधायक की कितना पेमेंट मिला है, अगर विधायक खत्म हर बात अगर पेंशन हो तो झारखंडी के रत्ती पर अपने फर्क ना हो। अखनी परिवार यहाँ जाके तोड़ जाएगा, चपरासी नहीं बनतो, पियोन नहीं बनतो, तोड़ जाके पुलिस नहीं बनतो, अपने कुछ कार चढ़ना का बेरोजगार कहना तो बढ़िया बिजनेस कहना है, लेकिन यहाँ नौकर नौकरी नहीं करते, इतना पैसा हमने कमा लेना तो अपने के हमने दर्द एक पैसा ना हो, तो हमने पार्टी से कोई मतलब ना हो। ये भाषा बैनर तले जो हमने हीरो लड़ाई भाषा से स्टार्ट करके हमने खतियान में जीत, चाहे कोई भी जो राज्य के परिभाषा में हुआ डोमिसाइल में हुए। और जब हाईकोर्ट 27 नवंबर 2002 के जो रांची हमने हाईकोर्ट को स्पष्ट आदेश दिलाए कि राज्य चाहे तो 9 गो लैंग्वेज लेके, 5 गो आदिवासी लैंग्वेज और 4 गो लोकल लैंग्वेज को लेके वो लोकलिटी के परिभाषित कर सकल है, तो फिर भी अखनी जो नहीं करें तो बड़ा दुर्भाग्य। चलिए, आप धनबाद और बोकारो जिले के नौजवान साथियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? धनबाद और बोकारो जिला के नौजवान साथी सबके हटे संदेश दे भाई कि अगर आज नहीं लड़में तो फिर आने वाला दिन गुलाम भजी, तो आने वाला पीढ़ी हो निसंदेह जिंदा रहते हो, लेकिन गुलाम भजी तो एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाएगा कि आने वाला नौजवान कुछ कर चाहे ना कर, एक सिनेमा मोबाइल यूट्यूब रील्स खूब देखा होते हैं, उदाहरण देवे बाहुबली के फिल्म, बाहुबली के फिल्म में जब देवसेना और बाहुबली के पहली बार भेंट में हुए, देखिए वर्ड आवे थे, पिंडारियों ने हमला कर दिया, सुना ली हाँ या ना को? पिंडारियों ने हमला कर दिया। एक्चुअल में आप फिल्म की लाओ काल्पनिक लगो, लेकिन पिंडारी काल्पनिक नहीं लग लो, वो रियलिटी में 1800 यानी आज से लगभग 220 साल पहले पिंडारी वास्तव में हलो, जिसने आज हमनी है ऐसा पिंडारी वास्तव में आज से 200 साल पहले हलो, लेकिन आज पिंडारी कहीं नहीं रह गलो, कहे बताओ अगर भाषा खत्म भै गलो, अगर संस्कृति खत्म भै गलो, धीरे धीरे भारत से पिंडारी खत्म भै गलो। तो आने वाला पीढ़ी के अट्टे संदेश, मायक भाषा अगर माए के भाषा के सम्मान नहीं करे हैं तो माए के सम्मान नहीं करे हैं, तो लड़े भाई तो मायक भाषा खातिर का तौर हमार सबके लड़ाई लगो, झारखंड के लड़ाई लगो। और आने वाला 30 तारीख के जो मानव श्रृंखला है 10 से लेकर 2 बजे तक जगह बंगाल बॉर्डर से मोहदा तक ईटा में समर्थन करे, तो हमारे संदेश युवा साथी सब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार धनबाद और पोकारो के नवयुवाओं पर अपनी दूसरी भाषाओं को थोप कर हमारी माटी को बदनाम करना चाहती है, हमारी संस्कृति को बर्बाद करना चाहती है, हमारी जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है उसमें भी जवाब रही है। कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन की बात आपने बोला, तो जल जंगल जमीन के ये झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर भी इस तरह के झारखंडियों के बीच क्यों व्यवहार कर रहा है? ये तो सरकार को समझना चाहिए। आज जेएमएम के पास 30 सीट है, उसको दिलाया कौन? आखिर नौ युवाओं को आगे आकर ही उनको दिलाया गया है, लेकिन आज जो परीक्षाओं में या और भी मतलब वैकेंसी में इस तरह की बात हो रही है कि मतलब नई भाषा भोजपुरी हो गई, अंगिका को शामिल कर दिया जा रहा है, क्यों कर दिया जा रहा है? आखिर भारत सरकार का गृह मंत्रालय का ये साफ रिपोर्ट है, रिपोर्ट में कहा गया है कि झारखंड के 8 भाषाओं का आने वाले 10 सालों में विलुप्त हो जाएगा, दोनों भाषा का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस कारण हम लोग भाषा की लड़ाई लड़ रहे हैं, माटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए, खुद अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर भाषा ही हमारी नहीं बचेगी तो हम बच के क्या करेंगे? जब तक जान है, जीवन है, तब
तक भाषा की लड़ाई लड़ेंगे और हेमंत सोरेन को झुकना पड़ेगा क्योंकि ये नौ युवाओं का आक्रोश है और इसमें हेमंत सोरेन के पीछे लगना ही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो इसके साथ बात करने जा रहे हैं, जो आज कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो इसके बारे में नहीं जानता होगा। चलिए मैं जयराम महतो के बारे में उससे मिलते हैं और दो सब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि भाषा संघर्ष समिति का निर्माण क्यों किया गया, क्योंकि आज इतना ही झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आसू हो, जेएमएम हो, बीजेपी हो, आज यहाँ के लोकल अध्यक्ष हैं, जिला परिषद है, मुखिया है, पंचायत समिति है, वार्ड सदस्य है, क्यों नहीं मैदान में आ रहे हैं, मैं इसके बारे में जानने का कोशिश करता हूँ। सर आपका परिचय तो सबको जानते हैं, फिर भी सब परिचय बता दीजिए। सीधा सा बात है, एकदम लॉजिक के बात है। भारत के जो संविधान, पहले हमने संविधान की बात कर ले, भारत के संविधान अनुच्छेद एक में स्पष्ट लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत जब बनता है वो राज्य गिला के मिल के बनता है। एक मतलब है राज्य की भी अपन पहचान है, 152 में भी क्लियर है कि राज्य की अपन पहचान है। अब देख छोटा सा मैं लॉजिक दिया चाहे कि यदि सिर्फ अगर मतलब इटा रहता है कि वैकेंसी में क्यों भी बन सकल हो, कुछ भी कहीं कर सकल हो, तो हमारा बुझा है ना जितना पुलिस बहाली भेबे ना और में सब जगह पंजाबी पुलिस बनता है, कहीं पंजाबी नियर फिट फाट और ऊँचा क्यों ना है, तो कि आज हमने के पंजाबी पुलिस से ना है, कहा कि सबके पहचान है, तमिलनाडु पंजाबी पुलिस बनने पड़ता है ना बनने पड़ते हैं तमिल बच के बैठे, तो यानी सीधा सा बात है अगर कोई क्राइटेरिया राज्य के ना रहते है, राज्य के अगर अपन खुद के पहचान ना रहते है, तो कि बतल पंजाबी पुलिस सब हर देश में जाके देश के हर कोना कोना में अपनी पुलिस बन जितने। अगर टीचर के बात रहते हैं तो केरल के बंगाल के लोग हर देश के कोना कोना में जाकर टीचर बन जितने, लेकिन उतना है कहे क्या कि सब राज्य की अपने को पहचान है, सब राज्य की अगर डोमिसाइल है, लेकिन हमने झारखंड में कुछ ना, झारखंड एगो चरागाह लग, के भी आओ गंधियों से आओ, दो दिन रहले तो वोटर आई डी बन जितो, तीसरा दिन रहले तो राशन कार्ड बन जितो, मजे से रहो, जमीन ले लेने धमकाए के दारू पियाए के और तुम्हें मजे से यहाँ टाइम रह गई और तुम्हें दो पहचान, जबकि भारत के कानून है कि आप दो वोटर आई डी नहीं रख सकते, अगर दो वोटर आई डी तोर हो तो गुनहगार लगे, लेकिन यहाँ जितना बाहरी सब हो और में 90% हो जकर हियो तो वोट डालो और हुओ वोट डालो, यखनी आज दिवाली झारखंड मनु हो और होली जाए कि अपन यूपी बिहार बंगाल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मनु हो, तो इटा सीधा सीधे को मैंने अमानवीयता लग, तो अगर अपन खाना खाएं, अगर हमें अपन खाना खाए तो इटा प्रकृति लग, इटा मानुष के स्वभाव लगो, लेकिन तुम अगर हमारे छीन के खाएं तो इटा विकृति लगो, और फिलहाल झारखंड के साथ विकृति बह रहा हो। हम तरह से इतिहास के पन्ना के बात करबो, लगभग साल भर डिस्कस कर रहे तो जाके लोकलिटी के बारे में, जकर में राज कपूर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, त्यागी अय्यर और मुंशी पांच को विद्वान हले अपने डिबेट कर रहा है कि करल जाए लोकलिटी के नाम पे की करल जाए, तो राज कपूर में कहे सुनना कि ना ना कुछ नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति पूरा देश में कहीं भी नौकरी कर सकल है, इस चारों में कहे ना रे राज कपूर इटा गलत कह रहा है, खासकर त्यागी साहब में कहे ना ना इटा गलत कह रहा है, अगर ऐसा ना बहता है तो सब क्षेत्र एक ना लगे, पंजाब नियर हाइट झारखंड के ना है, केरल नियर तेज झारखंड के लोग ना है, तो सब अगर गोटे देश के अक्षर मिला जाता है तो झारखंडी लोग हर जगह छाड़ा जाते हैं, हमने किया देख नहीं जितना जानो कते हाइट हो 5.5 एकड़ में जितना सबसे ऊंचा हो कते हो 5.5 फुट 6 इंच 7 इंच, तो कि हमने 6 फीटिया से मुका कर पार्बे, तो जलवायु कहीं ना कहीं क्षेत्रफल कहीं ना कहीं जलवायु बहुत बड़ा परिणाम डाला है, तो अपने कहे ना ना क्षेत्र के आधार पर जब भूमि पुत्र लगो जो उस भूमि के बेटा लगो पहला अधिकार ओकर भेव दी न देश में हिंसा हो, नहीं तो फिर की मकसद हो इंडिया बनाए की मकसद हो, इंडिया के किल बनाए अलग अलग राज्य के अपन अलग देश बनाए नहीं, वो इंडिया लागो लेकिन वो राज्य के मिल के बनते, तो कहीं ना कहीं आज जो संस्कृति के माध्यम से भाषा के माध्यम से हमने पर अटैक कर ले इटा अगर हमने ना चेत लिए तो आने वाला दिन हमने मूल पचन खत्म हो जाते, एगो थोड़ा सा उदाहरण दे आज देख ले कहल गए ना एगो कहावत है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लिटरेचर के मतलब है लो किताब कहानी सिनेमा, सिनेमा लिटरेचर लगो यानी समाज सिनेमा के प्रभाव समाज में हो, आज अगर हम जैकेट पहना लियो तो अक्षय कुमार के देख के, जूता पहना हो तो केएल राहुल के देख के, अगर चूल कट हुए हो तो विराट कोहली के देख के, अब भोजपुरी के एगो बहुत बड़ा सिनेमा हो, भोजपुरी के एगो बहुत बड़ा सिनेमा हो और सिनेमा में अश्लीलता है ये हो तो वो किए, तो अगर ओकरा सरकार अभी तो सपोर्ट नहीं कर लो से घर घर गाँव गाँव हमने के पर्व में त्यौहार में शादी में पहुँच गलो पार्टी में, जब सरकार ओकरा सपोर्ट करतो तो हमारे घर घर पहुँच जितो, एक बात बताओ एक दिन दू जान नहीं रह पा रहे, तू जब वो भाषा की हमारे घर घर पहुँचतो तो हमारे लगू है खोटा मायक भाषा मायक कोराक भाषा धीरे धीरे खत्म हो जाए, विद्वान नियर सरकार।